अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज गार्डन। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी गर्मी में प्लांट्स का क्या ध्यान रखना, वाटरिंग हो जाती है, यही बहुत बड़ी बात है। चाह के भी बहुत कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि सवेरे उठने के साथ ही घर में इतने ज़्यादा काम रहते हैं, तो घर के काम भी निपटाना बहुत ज़रूरी रहता है। ये रहता है कि धूप हो जाएगी तो चलो जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लिए जाएं, और उनके साथ ही साथ प्लांट का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखा जाता है। अब देखिए, जैसे कि क्या कहते हैं, मिली बग्स ने तो इतना आजिज करके रखा है, तंग कर लिया है। ये हमारा प्लांट है तो देखिए, इसमें नहीं है, इसमें भी थे लेकिन क्योर करने के बाद ये तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। प्लांट एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, और डेली बेसिस पे कह सकते हैं कि हम इसमें इनकी केयर कर भी नहीं पा रहे हैं कि डेली बेसिस पे ही इन पे कुछ स्प्रे वगैरह किया जाए। तो बस करना क्या है कि देखिए, हालांकि पता नहीं, वही जो लहसुन वाला मैंने डाला था उसको कुछ कारगर साबित हुआ है कि क्या रहा है, उससे कम हुए हैं इस पर जो है। आप लोगों से वीडियो भी शेयर करी है कल ही, तो इस पर मैंने लहसुन का पेस्ट बना के और उसको उसका पानी भी छान के मैंने पेस्ट पे किया है, तो काफ़ी कुछ कम हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ है, अब मैं इससे ज़्यादा क्योर इनकी कर नहीं पाऊँगी, और इनको क्योर नहीं कर पाऊँगी, इनकी केयर कर नहीं पाऊँगी, तो फिर मैं करती क्या हूँ। हालाँकि इतनी गर्मियों में प्लांट्स की कटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर ये कदम उठा रही हूँ। देखिए, हमारी सीजर भी बॉडी नहीं मिल रही है, और मैं इनको सबको कट करती हूँ बारी बारी से। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने प्लांट्स को दे सकूँ, देती भी हूँ, क्योंकि मेरा घर भी है। घर तो खर्च सबका ही होता है, लेकिन घर है मतलब, कहने का मतलब ये कि मैं अपने घर की अकेली हूँ, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है, तो उसके चलते मैं सारे टाइम, और फिर सबसे बड़ी बात है, अकेली मैं हमेशा से थी, फिर भी मैं केयर करती थी प्लांट्स की। लेकिन ये था, अकेली मैं हमेशा से भी नहीं थी, बेटी थी, बेटी के जाने के बाद सारे घर के काम मेरे ऊपर आ गए, तो चूँकि बर्डन ज़्यादा बढ़ गया है। वरना क्या होता था कि मैं घर के काम बेटी जी से संभाल लेती थी थोड़ा बहुत, बाकी मैं प्लांट्स की देखभाल कर लेती थी। और ये देखिए, तो फिर बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब मुझसे इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर मैं कर क्या रही हूँ, मैं इनको सबको कट कर दे रही हूँ, थोड़ी थोड़ी कटिंग कर रही हूँ। हालांकि इतनी गर्मियों में इनकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए बर्ड्स भी नहीं हैं, तो थोड़ा सा ये उपाय मुझे सही लगा, मैं इनको कट कर दूँगी तो शायद थोड़ा सा इनसे छुटकारा मिल जाए। इस तरह से देखिए, मैं चाहती हूँ ये प्लांट्स में ना गिरें, जो मुझे झुक के उठाना पड़े वही हो गया देखिए, और दोनों हाथ फ्री होते तो मैं इनको सबको अच्छे से कट करती। लेकिन मैं कट करने लगी थी, सोचा वीडियो भी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ साथ हाथ क्या, ये देखिए, जिस तरह से फ्लावरिंग होती थी हर बार खूब भर भर के, मैंने इनको रिपोर्ट भी किया था शुरू ही में, फरवरी मार्च में ही, और रिपोर्ट करके इनको खाद वगैरह दे दी थी। उसके बावजूद जितने अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होती थी, भर भर के गुच्छों में इसमें फ्लावर आते थे, इस बार नहीं आए हैं। देखिए, इतना ज़्यादा कचरा ये निकला है, और मैं आपको दिखाऊं, बीच बीच में ये इस तरह से छुपी हुई थी टहनियाँ, इन पे मेरी नज़र नहीं जाती थी, और मैं स्प्रे करती थी तो ऊपर ऊपर करती थी। दरअसल मेरा स्प्रेयर भी कुछ गड़बड़ हो गया है, तो जाहिर बात है इस तरह से बुरी तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ है, तो छोटी मोटी जो हम क्योर करते हैं इनकी, उनसे क्या असर होने वाला है। तो ये सारी टिप्स मैंने कट कर दी हैं, क्योंकि मिली बग्स का अटैक होता ही टिप्स पे है, टिप्स से शुरुआत होती है, तो मैंने इनकी सारी टिप्स कट कर दी हैं। और ये देखिए, अब इसमें तक में ये देखिए, ये स्पेंट हुई बर्ड साइज़ के दोनों इसमें भी घुसा बैठा है, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है, अब देखती हूँ कितना
ये असरकारक रहता है हमारा ये कटिंग वटिंग का मामला। और ये कई टाइम का सोचा हुआ काम था, बस हो नहीं पाता था। सुबह उठते ही धूप हो जाती थी, शाम का वक्त है और मैंने इतना जो है कर लिया है। और चलिए देखिए, देखती हूँ वीडियो कब अपलोड कर पाती हूँ। और चलिएगा, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।